ये कौन है स्मार्ट सा लड़का? देख ये अधूरा स्मार्ट सा लड़का कौन है? ये मैं हूँ भाई, दोबारा बोलो। विशाल के घर, क्योंकि आज थोड़ा सा स्पेशल डे है, बिकॉज उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है तो वो कल जा रहा है, तो हमने सोचा कि आज चलो व्लॉग व्लॉग बना लेते हैं, लास्ट व्लॉग। और ये देखिए डेजी, जो लोग डेजी को नहीं जानते उनको मैं डेजी का इंट्रोडक्शन दे दूं, ये है डेजी और ये है रॉक्सी की बेबी गर्ल। और ये आजकल चड्डी पहन के बैठी है, चड्डी पहन के घूम रही है, क्यों? क्योंकि मैं आपको बाद में समझाऊंगा। और हमने सुबह से बहुत मस्ती कर ली और अभी हम लेके आए हैं, पहले अपने हाय हेलो तो बगैर हाय। और ये अभी हम लेकर आए हैं मैक्रोनी, और अभी हम मैक्रोनी बनाएंगे और फिर खाएंगे, और जो जो मजे करेंगे वो आपको दिखाते रहेंगे। और देखो सेम सेम मैंने आपको अपने बर्थडे पे बनाया था कि हमारे पास बहुत सारी चीजें सेम सेम है, और उनमें से एक चीज है मेरी लैपर्ड प्रिंट शर्ट। मजे करेंगे और आपको दिखाते रहेंगे, हाथ लगा देंगे भुशुम करके। और जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं आपको विशाल की क्रिएटिविटीज दिखाऊंगा, तो देखिए उसकी क्रिएटिविटीज। ये बॉटल उसने खुद पेंट करी है, और ये जो है ये इसने खुद क्रिएट करा है, मिट्टी से बना के पता नहीं कैसे कैसे करके पेस्ट करा है, देखो कितना बारीक काम है। मैंने आपसे कहा था बहुत क्रिएटिव इंसान है, देखो ये भी पेंट करी है बॉटल, और एक ये वाली बॉटल भी पेंट करी। और क्रिएटिविटी में से एक चीज ये है कि विशाल ने ये डेजी के लिए बनाया एक अच्छा सा गद्दा टाइप का, जिसमें आराम से बैठी के खेलती रहती है। और उन क्रिएटिविटीज में से ये भी है, ये किस चीज से बनाया तूने वैसे? किस से? ये क्ले से बनाया, और ये गौतम बुद्ध, ये भी, और ये भी सब इसने ही ऐसे बनाया। और ये देखो इसमें से धुआं भी निकलता है ना, ये स्मोक है। और आज फाइनली इसकी ये आर्ट बुक एक्सप्लोर कर ही लेते हैं स्टार्टिंग से एंड तक। अम्मी क्या कर रही है? साग बन रहा है आज इनके जाने की विदाई की खुशी में, चने का साग। ते मक्के दी रोटी बनेगी, मक्के दी रोटी ना रोटी सरसों का साग। तो चलो करते हैं इसको एक्सप्लोर। नोटबुक, और सबसे पहले किसका फोटो है? ये है, ये कौन है स्मार्ट सा लड़का? देख दे रहा हूं। ये अधूरा स्मार्ट सा लड़का कौन है? ये मैं हूँ भाई। ये सबसे गजब है, ये है काइली जेनर, इसके होंठ से ही पता चल जाएगा अंधे को भी कि काइली जेनर है। और ये है बिजली, मेरी फेवरेट कैरेक्टर, ना बचपन में बहुत दुख था। और ये भी बिजली है, नेक्स्ट ये भी बिजली है, मेरे को पसंद थे इसलिए मैंने बनवा लिया इससे दो तीन इसके। ये मेरा फर्स्ट। और ये है हमारी प्यारी खुशबू दीदी, इनको आपने हमारे प्रीवियस व्लॉग्स में भी देखा होगा, वाला स्केच का है। और ये है देखो मम्मी पापा की आधी अधूरी स्केच, बट अच्छी लग रही है, अभी पहचानने में आ गई। सफेद दाढ़ी, नरेंद्र मोदी वाली दाढ़ी। हाँ यार लग रहा है यार, ये ना। और ये है हमारे बर्थडे गिफ्ट, ये मेरा स्केच है, मेरा फेवरेट। हाँ यार मेरा फेवरेट फोटो का। और ये कौन है दांत वाला? ओह जो गोल्ड मेडल लाया था उसमें जैवलिन थ्रो में। हाँ नीरज चोपड़ा, अरे गजब, ये भी अधूरा है, पूरा हो गया दांत, देखो स्केलेटन जैसे दांत। ओह वाओ। और ये है मेरी फेवरेट वांडा स्कारलेट विच, पर या दूरी सी है बेचारी, पहचानने में नहीं आ रही, पर मेरे को आ गई, अभी मूवी का पूरी आ जाएगी। हाँ और ये दी एंड हो गया। तो ये था इसकी स्केचबुक का रिव्यू, क्यों इसके स्केचबुक का एक दायरा, ओहो ओवरव्यू। तो बस अब हम इसे बंद कर रहे हैं, हो गया। गणेश जी से वायरल कर देना, गणेश जी बाय। तो जी हमने स्केचबुक देख ली और अब फाइनली विशाल जी की कढ़ाई चढ़ चुकी है, और अब बनाने वाले हैं हम क्या? मैक्रोनी। बहुत टाइम से खाई नहीं मैंने, तो मैंने कहा चलो बना लेते, और इसी बहाने व्लॉग भी बन जाएगा। थोड़ा तेज बोलना पड़ता है व्लॉगिंग में, मम्मी को भी यही सिखाता हूँ मैं। ठीक है। थोड़ी सी हम इसमें इंटरेस्टिंग चीज ऐड करने वाले हैं, जो सबकी फेवरेट होती है, मोस्टली सबकी फेवरेट होती है। दो मिनट की मैगी लगते हैं। तो बस हम मैक्रोनी बनाते हैं और आपको दिखाते कैसे बनाएंगे और खाएंगे, फिर तब भी आपको दिखाएंगे लजीज मैक्रोनी। अभी बनी नहीं, हम पहली लजीज दूर बनेगी, लजीज ही बनेगी। चलो बस लेट्स गो, हर बात पे लेट्स गो नहीं, चलो देखते रहो।
व्लॉग बनाने के चक्कर में ऐसे तैसे मत मार दिए, तेल इच कर दिया पूरा। चल चुका है जीरा, तो ये है मिर्च और प्याज का मिक्सचर मिश्रण जो हम डालने जा रहे हैं, मैं ये डाल रहा हूँ। खाएंगे तो। अरे तुम्हें पूरी विधि नहीं बतानी भैया, दिस इज नॉट अ कुकिंग चैनल। मुझे मेरी वाली आदत हो रही है तो दिस इज नॉट अ कुकिंग चैनल, ओके दिस इज स्टार वॉर व्लॉग्स कुकिंग चैनल। बोल बोल। आप डालने जा रहे टमाटर, हमें लगा आलू है। नहीं, टमाटर है, टमाटर है। तुम्हें भी खानी है क्या? ए री इधर देखो री, ए रॉक्सी आ गई, रॉक्सी ओ रॉक्सी मम्मा आ गई, रॉक्सी मम्मा हो ओ बेटे। ये मैंने कच्ची काफी खा ली है, पर वो खानी नहीं चाहिए दोस्तों, वो हानिकारक होती है। इसने ना मेरा पूरा चैनल कुकिंग चैनल बना दिया। डाल मसाले ऐड करने जा रहा हूँ। हाँ थोड़ा स्पाइसी अच्छा लगता है, लाइक स्पाइसी। अरे ना भैया इतना ना कि कहीं खाया ना जाए, कान से धुएं निकल जाए। दोस्तों ये मत समझना कि कुकिंग ब्लॉग बन चुका है, क्योंकि कुकिंग ब्लॉग नहीं है, ये रितेश स्टार पर ब्लॉग थी अभी तक। वो तो हम बना रहे हैं इसलिए आपको दिखा रहे हैं अच्छे से। मैगी मसाला ऐड करूंगा इसमें सिर्फ। चलो देखते जाओ दोस्तों। अरे छींक आ रही है, मैं मसाला जल गया क्या तुम्हारा? नहीं। तो हम बना रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्रोनी एंड मैगी। अरे रुको, अरे डेजी कह रही है भैया हमें भी मैक्रोनी खिला दो भैया, यहाँ देखो। अरे भैया डेजी भूखी हो गई है, चुकी है पानी में। और अब हम डालेंगे इसमें मैक्रोनी। क्या बनेगा इसका नाम? क्या मैगी प्लस मैक्रोनी खिचड़ी? नहीं मैगरोनी की कुछ भी मैगी रोनी। हाँ ये नाम अच्छा है, मैगी रोनी। वाह आई एम सो क्रिएटिव यू नो। मैगी रोनी बना चुके दोस्तों, मैगी रोनी। और इसमें हम डालेंगे ऊपर से एक्स्ट्रा मसाले, ओ एक्स्ट्रा चीजें। इन्होंने बेचारों ने पिज्जा का ऑरेगानो इकट्ठा कर रखा है कि कभी ये ऐसी कोई क्रिएटिव चीज बनाएंगे तो उसमें डालेंगे। डर लग रहा है आपको इसका? डर पड़ रहा है? बोलो क्या बोल रहे हो, बोलो। मारो इसका सर पे। काला काला सोया सॉस। ओ मम्मी चाउमीन में डाल दी थी बचपन में। यस एग्जैक्टली। ये क्या है? लाल वाइट है, तो वाइट है ही नहीं, सिंथेटिक वाइट। अरे इसका ऐसे डालना, चम्मच से क्या डाल रहा है? बिल्कुल स्टाइल दिखा रहा है क्या? दिखा कंजूसी यार, टप्पा टप करके डाल बस। अब इसे मिक्स। ओ अबे साले। तो जी धनिया कट चुका है और अब हम डाल रहे हैं पिज्जा का बचा हुआ और अगेन पिज्जा का बचा हुआ, पिज्जा के साथ आता है ना ये। ओ सॉरी सॉरी दिस मैगी मसाला, ओ सॉरी स्कैम हो गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ऐसे दिखने में कढ़ाई बहुत छोटी लग रही है बट लाइव इतनी बड़ी कढ़ाई है। तो दोस्तों आ जाओ हमारे साथ मैगी रोनी खाने। मैगी रोनी नामकरण अच्छा करा है वैसे मैंने ना, मैं नाम रखने में बहुत अच्छा हूँ चाहे अपने स्कूल के। हाँ अब डाल रहे हैं धनिया, दिखाना इधर। हाँ देख देखो दोस्तों। अरे मेरी मम्मी का फोन आ रहा है रे। अरे दोस्तों एक मिनट रुको, जरा मम्मी का फोन आ रहा है, फिर अभी मिलता हूँ। तो जी ये सर्व हो चुका है हमारा मैगी रोनी और अब हम इसे पेलेंगे दबा के। ओके आर यू ओके? या चलो फिर। तो जी प्रस्तुत है हमारी शानदार मैगी रोनी। कैसी हो रही? नाइस। सिर्फ बहुत मेहनत लगी इसमें। दोबारा बोलो। ओ तेरी। अब चलो मेरी बारी है, सबके रिव्यूज बहुत ले लिए वो सो सो के दे रही है कमेंट। तो जी बाकी सबने तो चख लिया, मेरी बारी चखने की। चखते हैं उल्टे हाथ से। नाइस। फीकी है पर नहीं है फीकी। फीकी नहीं फीकी। फीकी सही है। उल्टा हाथ से खा रहा हूँ मैं ब्लॉग के लिए, देख लो दोस्तों। लो मेरे को डर। किसी बात पे लाइक कर देना। जल्दी से विशाल की वीडियो प्यारा बोला। हाँ चलो बस बाय। आज कैटरीना कैफ का गाना और क्या चाहिए? ओम ओम कर चवार। ओहो
बस बजाता नहीं, कॉपीराइट आ जाएगा। A little longer than a few minutes later. तो जी हम लोगों ने वो क्या था, मैगी रोनी खा ली है और हमने मार्केट से काम वाम भी कर लिया है और रात हो गई है बहुत ज्यादा। तो देखो हमने फोन से फ्लैश चला के हम व्लॉगिंग कर रहे हैं बाहर दूसरे फोन से, रात हो रही है और बोल और हमने मार्केट में गोलगप्पे भी खाए मेरे फेवरेट। व्लॉगिंग बनाया उसका क्योंकि मार्केट में थोड़ी शॉपिंग भी करी, सामान वामान लिया है, मैं तो वो स्कूटी में आगे रखा आपको दिखाई नहीं देगा। तो बस अभी हम ये वाला व्लॉग यहीं पर एंड कर रहे हैं और मॉर्निंग में भी दिखा सकते हैं। हाँ मॉर्निंग में कले जाएगा तो वो भी हम दिखाएंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग दिस शार्प व्लॉग्स एंड या द ब्लेस। अरे नेक्स्ट मॉर्निंग। तो जी अगली सुबह हो चुकी है और हमारी दीदी और मम्मी बना रही है पूरी। दीदी कैसे देख रही है और ये रेडी हो रहा है बेचारा जाने के लिए। देखिए मैं ही सच में बना रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। बोली जरा सुबह उठ के बाल देखो दोस्तों कितने अच्छे लग रहे दीदी के। और ये पूरियां बन रही है, बेचारा जा रहा है लंबे सफर पे, तैयार हो रहा है, ड्रायर व्रायर मार रहा है। और डेजी देखो कैसे रेडी। अरे तुम क्यों बैठी हो रे, इसे कोई नहीं खिला रहा। तो जी बेचारे जाते जाते खा रहे हैं, जाते जाते खा रहे हैं पूरी और आलू, सूखे आलू। और दीदी कह रही है कि तुमने मुझे कंजर बन के दिखाया, लो मैं बाल बना के आ गई। अच्छा पहन के डेजी। तो जी फाइनली आ चुका है टाइम जाने का और ये इनके बैग्स हो चुके हैं पैक, तीन बैग्स हैं भरे भरे क्योंकि ये जा रहे हैं भोपाल। बोलने दे रहे मुझे, ये जा रहे हैं भोपाल, इनकी नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है आज से। और इनके बैग तक पैक हो चुके हैं और नाश्ता कर लिया है, खाना पैक हो चुका है और अभी जा रहा है। तो देख लो इसको व्लॉग में, फिर तो दिखेगा 6 महीने के बाद। गंदी हो रही है सुबह सुबह उठी हुई जैसी नहीं। Okay, तो आ गया टाइम घर को छोड़ने का और जाने का और अभी जा रहे हैं और ये बहुत याद आएंगे सबको, जाएगी तो बहुत याद आएगी। और फिर आएंगे 6 महीने बाद। मम्मी भावुक हो चुकी हैं बेचारी, चलो चलो ज्यादा भावुक होते नहीं दिखाते, चलो बाय तुम जा रहे हैं बाय। तो जी फाइनली हम आ चुके हैं और बस आ चुकी है और ये जा रहे हैं मुरादाबाद, फिर वहां से ट्रेन पकड़ेगा भोपाल के लिए। और मुझे बहुत गंदा सा फील हो रहा है और बस आ चुकी है दोस्तों, हो रहा है इसकी विदाई ब्लॉग, चलो बाय बाय। और ये जा रहा है फाइनली, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। चल विशाल बाय। तो जी मैं उसको छोड़ के आ चुका हूँ और मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, और क्योंकि वो काफी टाइम बाद गया है और अब वो आएगा भी 6-7 महीने के बाद और मेरे लुक को प्लीज माइंड मत करना। तो यही था आज का व्लॉग, अगर पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज रितेश स्टार बॉय व्लॉग्स। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगली वीडियो के साथ। आई लव यू गाइस सो मच।